मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवहट पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग लेकर आज एमआईएम पार्टी के नेता सैफ पठान अपनी पूरी टीम के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सैफ पठान ने बताया कि एक मराठी न्यूज चैनल पर जितेंद्र अवहट ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी की है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आपको सुनाते हैं कि विधायक जितेंद्र अवहट ने कहा क्या। औरंगजेब क्रूर होता, बापाचा मर्डर केला, भावांचा मर्डर केला, मर्डर म्हणजे हत्या केली, सगळ्यांना घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं, हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही। पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो। यही वो वीडियो है जिसके आधार पर एमआईएम पार्टी मुमरा पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने गई थी, मगर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक गडलक ने उन्हें कहा है कि जहां पर ये पूरा मामला हुआ है वहीं पर एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी जानकारी सैफ पठान ने दी है कि एफआईआर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाएगी। सैफ पठान एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आगे क्या कुछ बात कही है आपको सुनाते हैं। सर भाई, आप मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, सीनियर पीआई से मुलाकात की है, क्या पूरा मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, ये अभी हम लोग पूरी हमारी टीम सीनियर पीआई से मुलाकात करके निकल रही है। हम लोग जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं जितेंद्र अवार्ड, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए थे। हमने मांगनी की है कि यहाँ पर उन पर एफआईआर दर्ज हो, तो उसके लिए हम लोग पूरी टीम हमारी यहाँ पर जमा हुई थी। एफआईआर का मुद्दा क्या था? मुद्दा देखिए ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोगों पे केस बनाते थे, उन पे एक दो केस क्या है, वो पागल हो गए, और पागल होने के साथ साथ वो कुछ भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे रहे हैं। और अभी उन्होंने माजअल्लाह करना बोलना नीचे बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ उन्होंने की। अभी कुरान शरीफ उन्होंने उठाया था। अभी उसके बाद एक जिस पर हम एफआईआर करने आए, वो एफआईआर की मांगनी हमारी ये थी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शान में उन्होंने 8 जनवरी 2023 को TV9 मराठी चैनल पे मराठी में एक स्टेटमेंट दिया है, और उसमें उन्होंने उनको क्रूर बादशाह कहा है, जालिम कहा है, उनको मर्डरर कहा है, और कहा है कि वो इंसानियत के नाम पे काला कलंक थे। तो उसके खिलाफ, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यानि कितने वली शिफत थे, कितने परहेजगार थे, आप बादशाह होने के साथ साथ भी पूरे अखंड भारत के बादशाह, जब भारत यानि एक छोटा सा MLA जो अपनी राजनीति करने के लिए, जिस पे दुनिया के भ्रष्टाचार के आरोप है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का हेरफेर किया है, स्लाटर बेच दिया है, प्लेइंग ग्राउंड खा रहा है बिल्डरों से मिच के, वो एक ऐसे बादशाह पर जो पूरे हिंदुस्तान के, अखंड हिंदुस्तान के बादशाह थे, जब हमारी यानी सल्तनत यानी अफगानिस्तान तक हमारे भारत में आता था, हिंदुस्तान में आता था, उस वक्त के बादशाह, उतनी बड़ी यानी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद भी वो टोपी बुन करके अपना जाति अखराजात करते थे, बैतुल माल से नहीं अपना उसमें से हिस्सा नहीं लेते थे, उनके बारे में ऐसे सब स्टेटमेंट दे रहा है। तो उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करने आए थे। आज हमारी उनसे आस्था जुड़ी है, उनके हम रोज़े पे जाते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज उनको काफ़ी मानता है, और एक गलत हिस्ट्री बता करके TV चैनल पे बैठ करके RSS को खुश करने के लिए, BJP पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से यानी जातिवाद की राजनीति करके यानी अपने RSS को खुश करने के लिए स्टेटमेंट करती है, उसी तरीके से ये मराठी में RSS को खुश करने के लिए यहाँ के मौजूदा MLA जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके खिलाफ, क्या हम इसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे? 2019 में भी सेम इसी तरीके से थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NCP के आनंद परांजपे ने इसी तरीके का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए सिर्फ MIM नहीं, MIM की पूरी टीम के साथ इस शहर के हर एक मुस्लिम नेता ने आकर के एहतजाज किया था, और हमारे हिंदू भाइयों ने भी, उस वक्त हमारे साथ विष्णु भगत जैसे लोग थे, राजन कीने जैसे लोग थे, उन लोगों ने भी आकर के एहतजाज किया था उसके खिलाफ, और यानि कहा था कि गलत है। उसी तरीके से आज हम वापस से यानी यहाँ पर आए कि अगर उस वक्त FIR हो गई होती तो ऐसी हरकत दोबारा ना होती। आप, मैं भी आपको उनका बोला हुआ एक छोटा सा क्लिप, घरात सगळ्यांना मारून टाकलं हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो।
इस तरीके का स्टेटमेंट, अच्छा इनकी चापलूसी और इनके शातिर बना, देखिए मराठी में स्टेटमेंट देते ताकि मुमरा के यानी लोगों को समझ में ना आए और ये आरएसएस को खुश भी कर दे। ये यानी जो लोग हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और इस तरीके के झूठी हिस्ट्री फैला करके, एक रूमर्स फैला करके यानी हिस्ट्री को गलत साबित कर रहे, उनका काम कर रही है। तो इसके खिलाफ हमने यहाँ पर एफआईआर की मांग की है। क्या हुआ, सीनियर पीआई ने क्या कहा, आपकी शिकायत ली, एफआईआर लिया या क्या कहा? देखिए सीनियर पीआई ने हमसे कहा कि अभी नूपुर शर्मा के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है कि जहाँ पर जो वारदात होगी एफआईआर वहाँ पर ही होगी। उन्होंने तत्काल हमसे लेटर बना के मंगवाया, हमारा लेटर उन्होंने अभी रिसीव किया है। उन्होंने कहा है कि वो लेटर भेज रहे वर्तक नगर में और वहाँ पर बोलेंगे कि इस पर एफआईआर हो। और देखिए ये बात यहाँ थमेगी नहीं, एफआईआर तो इंशाल्लाह ताला होगी। और आज मैं यानी पर्सनली हमारी टीम और हम लोग आज से जितने ओलमा इस शहर में मौजूद है, हम उनको पर्सनल लेटर देने वाले और ये वाकये पर पूछने वाले कि आप लोगों की क्या राय, आप इस पर अपना स्टेटमेंट देने। तो यानी आपको पता होगा कि जिस कौम ने अपने इतिहास को बुला दिया वो कौम यानी ख़त्म हो चुकी है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे और लोगों को हिस्ट्री गलत बताई जाएगी, हमारा इतिहास गलत बताया जाएगा, तो हमारी कौम कितने बड़े ख़तरे में। तो हम उन उलमाओं को भेजने वाले, हम इनके साथ रहने वाले, हमारे जो सैयद अली भाई साहब है वो कितने बड़े घराने से है, हम उनसे सवाल करते कि साहब ये क्या ये सही है। उनके साथ रहने वाले मैं शमीम खान, शानू पठान और जितने नगर सेवक उनकी पार्टी में है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ क्या ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके जो MLA दे रहे वो सही है, उनका क्या स्टेटमेंट है? मुफ्ती अशरफ साहब जो उनके स्टेज पे खड़े होकर के बोलते, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं उन ओलमाओं से जिनका वीडियो मैंने अभी बहुत अदब से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिनका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था जब उन पर 354 का एक्ट लगा था कि बोले हमको यानी रोना आ रहा है। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो, आपका क्या स्टेटमेंट है इस बारे में, इस बारे में आप क्या कहोगे? यानी जितेंद्र और से आप लोग स्टेटमेंट जारी करिए, हम सबसे मुलाकात करेंगे, सबको लेटर देंगे और सबको बताएंगे कि किस तरीके से यानी हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जा रही है और यहाँ के MLA वो बड़ी शान से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। आप देख सकते हैं हमारे सैफ पठान जो मजलिस के ऐसे सिपाही हैं और ऐसे कारनामे जो मुमरा शहर में यहाँ के जो सत्ताधारी कर रहे हैं, जैसे चुनाव आया, चुनाव आते हैं उन्होंने एक लॉलीपॉप देना चालू कर देते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं उन उलमाओं से पूछना चाहता हूँ कि जब उनके ऊपर पड़ी तो तुम रोड ब्लॉक कर दिए, मुमरा की हमारी पर्दा नशीन माँ बहने लोगों को निकलना मुश्किल कर दिए। आइए सभी लोग मिल के जो हमारे शहर में जो हमारे एक नेक परहेज गार जो हमारे बादशाह थे उनके ऊपर इन्होंने जो टिप्पणी किया है वो भी देखो मराठी में किया है। क्यों मराठी में किया है? महाराष्ट्र के सभी लोगों को, मराठी लोगों को खुश करना चाहते हैं। क्यों? कि देखो मैं तो मुसलमानों के खिलाफ हूँ, लेकिन मुमरा के शहर को बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसमें हमारे सैफ पठान शालम भाई ने तफसील से बताए हैं और उसी के ऊपर इंशाल्लाह मैं सैफ भाई से गुजारिश करूँगा कि वो उलमाओं को आप जो है पत्र दो और उनको बोलो रोड में निकलो। ये पहला एक काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर हम प्रशासन से न्यायालय तक जाएंगे अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा।